الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। आज हमने स्टैटिस्टिक्स का जो है वो पहले मतलब इतना ज़्यादा नहीं हम समझेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करते हैं। वो आपने डेफिनेशंस वगैरह तो पहले देख ली होंगी और वैसे भी इतनी अभी उनकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर देखा जाए ये फिज़िक्स वाली फ्रीक्वेंसी नहीं या ये वेव्स वगैरह नहीं होंगी, तो स्टैट्स में जो है वो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं रेपिटेशन ऑफ वैल्यूज़ को, कि कोई भी एक पार्टिकुलर वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो एक कोई भी पार्टिकुलर वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर देखा जाए, अगर फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास वैल्यूज़ हैं, जिससे मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ 25, 32, 9, 15, 26, 23, 35, 41, 18, 44, 37। अच्छा, ऐसा ये सारा है क्वेश्चन। ठीक है, अब अगर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि पार्टिकुलर वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, ठीक है, अगर सिर्फ फ्रीक्वेंसी का ये मतलब है तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या मतलब है इसका। अगर फ़र्ज़ करें 8 है तो क्या मैं इस तरह लिख दूँ कि 8 1 पर रिपीट हो रहा है? नहीं, मैं ऐसे नहीं करूँगी। अगर ये 24 है, हम इस तरह लिख देंगे 24 2 पर रिपीट हो रहा है। उसका एक प्रॉपर मेथड होगा, ठीक है ना। सिर्फ ये फ्रीक्वेंसी तो रेपिटेशन का नाम है, लेकिन कैसी रेपिटेशन? आगे बोला गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो है, रेपिटेशन तो है, लेकिन वो बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ कि फ्रीक्वेंसी क्या है, वो चीज़ रिपीट कितनी बार हो रही है। समझ आया? मीन्स के फर्ज करें कोई भी मतलब एक प्रॉपर वे में वो चाहते हैं ना कि वो चीज़ कितनी बार है डिवाइड करें, तकसीम करें। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही होता है कि तकसीम करना, ठीक है। अब वो तकसीम जिस तरह हमारे पास फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे घर में कुछ आता है माल्टे, हाँ उनकी मिसाल ले लेते हैं या आम की मिसाल लेते हैं। अगर 12 माल्टे, ठीक है, या 12 आम हैं आपके घर में लाए गए और आपके घर में 6 अफराद हैं, ठीक है, तो हर किसी को 2 मिलेंगे तो वो 12 होंगे ना, ठीक है। तो इसी तरह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चाहते हैं कि आप बराबर करके हमें फ्रीक्वेंसी बताएं, मतलब उनमें जो इंटरवल है, जो उनमें जो वक्फ़ा है ना, मतलब बराबरी से इंसाफ का मामला इधर किया जाए, आसान अल्फाज में इंसाफ किया जाए जी। तो अब वो इंसाफ करने के लिए जो स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होता है ना, वो इंटरवल का यूज़ किया जाता है कि बराबरी का मामला इधर से हो जाएगा, इंटरवल बराबर रखा जाए। हम देखें हर स्टूडेंट को बराबर टाइम दिया जाता है पेपर करने के लिए, कोई जल्दी कर लेता है, कोई टाइम उतना ही होता है, ठीक है, कोई ज़्यादा लिख लेता है, कोई कम लिख लेता है, वो आगे तो उसके मुताबिक हो जाएगा ना। तो वो स्टैट्स में जो टेक्निक यूज़ होती है या फिर स्टैट्स में जो फार्मूला यूज़ होता है उस डिस्ट्रीब्यूशन को, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करने के लिए वो होता है ना कि इंटरवल पता होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम आसानी से निकाल सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो वो जो है मीन्स के उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है इंटरवल का। क्या फार्मूला होता है? इंटरवल। तो ये हम इसे ये क्लासेस भी बोल सकते हैं, अभी चलो हम क्लासेस ही बोल देते हैं, इसे क्लास इंटरवल हम कहते हैं वैसे स्टैट्स में। क्लास इंटरवल जो है उसे एच से डिनोट किया जाता है, यही बात है।
एच जो है उसका फार्मूला है, ये इंटरवल जो हम निकालेंगे बराबरी का जो मामला करेंगे वो होगा, उसका फार्मूला है हमारे पास रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है ना, ये इसका फार्मूला है जी, रेंज नंबर ऑफ क्लासेस। अब बात यह आती है ना, मुझे रेंज पता ना, मुझे पता जी नंबर ऑफ क्लासेस क्या होती हैं, मुझे तो दोनों नहीं पता। मैंने सिर्फ बोला गया था कि फ्रीक्वेंसी उस तरह तो मैं निकाल नहीं सकती थी। मैंने देखा कि हम क्लास इंटरवल का करेंगे तो वो बराबरी का मामला हो जाएगा, सारों में डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो जाएगी, फिर हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। अब इसमें दो और चीज़ें आ गई कि जो इंटरवल है उसको निकालने के लिए हमें रेंज भी पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ क्लासेस भी पता होनी चाहिए। एक चीज़ हल करने के लिए निकले, ऊपर से दो और आ गई, ठीक है। इंटरवल चाहिए था, इंटरवल के आगे वो दो आ गया, रेंज नंबर ऑफ़ क्लासेस। अब रेंज का अलग फार्मूला है, नंबर ऑफ़ क्लासेस का अलग फार्मूला है, सिंपल सी बात है। अब जो रेंज है, ठीक है, रेंज जो है ना, ये बताते हैं ना कि हमें रेंज, सिर्फ ये रेंज की ना बात होती है इसमें कि रेंज क्या है, रेंज को हम क्या कह सकते हैं, रेंज रेंज को रेंज क्या बोलते हैं इसे, एक मिनट, अभी वैसे टाइम नहीं है, बहुत देर हो गया। रेंज में ख्याल में यही होता है कि ये वैल्यू किधर लाइक आ रही है, और यही कुछ होता होगा, आई डोंट नो। तो रेंज का जो फार्मूला है वो हमारे पास है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है जी। तो ये बोलते हैं जी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम में से मिनिमम आप माइनस करेंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। ये भी कोई इतना लंबा नहीं काम हुआ, हमने इंटरवल, हमने वक्फा फाइंड करना था कि हम किस तरह ये इनकी क्लासेस बनाएं, इनको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करें कि हम आसानी से उसकी जो है वो फ्रिक्वेंसी को निकाल सकें। तो उसके लिए हमारे पास एक को ढूंढेंगे, दो आगे और आगे के रेंज और नंबर ऑफ क्लासेस का भी हमें फार्मूला पता होना चाहिए। रेंज क्या है, मैक्सिमम वैल्यू मतलब वो जो वैल्यूज है ना, ये जो मैंने जिस तरह वैल्यूज लिखी हैं, इन वैल्यूज में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी ना उसमें से वो कोई भी, अभी ये 45 ही लग रही है मुझे, तो इसी तरह ये 45 में से, ठीक है ना, 45 में से, और मिनिमम वैल्यू इधर जो है वो मेरे ख्याल में 2 है, 2 ही लग रही है, ठीक है, अभी 2 लग रही है, 2 ही है शायद। अच्छा, इसमें से ना 45 में से 2 चले जाएंगे 43, इस तरह का ना आपने काम करना होगा रेंज निकालने के लिए, सिंपल सी बात है। अब रेंज के बाद जो आता है सेकंड चीज़ आती है नंबर ऑफ क्लासेस। नंबर ऑफ़ क्लासेस आपने किस तरह निकालनी है जी, नंबर ऑफ़ क्लासेस वो कहते हैं, नंबर ऑफ़ क्लासेस का भी आपको फार्मूला पता होना चाहिए। नंबर ऑफ़ क्लासेस का फार्मूला होता है हमारे पास जी 1 + 3.3 log n। n जो होता है ना, n से मुराद है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, जितनी वैल्यूज़ होंगी उसका हमने ले लेना है log, ठीक है। अब ये किस तरह लेते हैं, अब देखिए n की वैल्यूज़ ना हमने बोला था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हाँ ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अच्छा, अभी ये 17 है, मैं क्या करूँगी, 1 + 3.3 log n की वैल्यू जो है वो 17 है, तो ये मैंने इस तरह कर दिया। अब इसे कैलकुलेटर पे किस तरह निकालना है, ठीक है, ऑन किया पहले, तो 1 लिखा प्लस 3.3 log और n की वैल्यू जो है वो 17 लिखी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 5.06, ठीक है जी, 5.06। तो इससे हमें पता चल गया कि सिंपल हमने क्या किया, हमने रेंज निकाली मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू, और नंबर ऑफ़ क्लासेस का भी फार्मूला होता है 1 + 3.3 log n, वो हमने किया, और इस तरह ये भी वैल्यू निकल आई, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, क्लास इंटरवल आ गया जी, रेंज आ गई, और सॉरी रेंज और नंबर ऑफ़ क्लासेस हो गए, मींस हमने क्लास इंटरवल को निकालने का बंदोबस्त कर लिया है, ठीक है। तो अब क्लास इंटरवल का जो हमारे पास फार्मूला है वो हमने निकाल लिया कि वो क्या है हमारे पास, रेंज
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। तो रेंज जो है वो हमारे पास इधर आ रही है 43, नंबर ऑफ क्लासेस जो है 5.06, और इस तरह हम इन्हें डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। हाँ किधर गया हुआ है, 43 डिवाइडेड बाय 5.06 विच इज़ इक्वल टू 8.49, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 8.49। तो यहाँ तक आपको इंशाल्लाह समझ आ जाए ना, तो फिर आगे करेंगे। क्या क्या किया है हमने, सिर्फ समझना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हमने निकाली। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हम एक एक करके नहीं, फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी तो कहते हैं ना नंबर ऑफ़ टाइम्स कोई पार्टिकुलर वैल्यू रिपीट हो रही है, लेकिन उसका एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए, कोई इंटरवल बना होना चाहिए कि इधर से लेकर इधर तक कितनी बार कोई चीज़ रिपीट हो रही है। वैसे ही अगर करेंगे तो नहीं होगा। स्टैटिस्टिक्स में फार्मूलाज हैं लेकिन उनके पीछे भी कोई मकसद है। इस तरह हम अपना डेटा ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था कि हमने फ्रीक्वेंसी तो निकालनी है, लेकिन उसका हमें प्रॉपर वे पता होना चाहिए था कि हम कितने कितने के वक्फे के बाद वो फ्रीक्वेंसी और किस तरह हमने निकालनी है। उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमें क्लास इंटरवल पता होना चाहिए था। अब ये क्लास इंटरवल के आगे फार्मूले आए थे, रेंज और नंबर ऑफ़ क्लासेस। हमें तो फ्रीक्वेंसी के लिए सिर्फ इंटरवल का पता होना चाहिए ना। अब ये इंटरवल के आगे जो फार्मूले थे ना, वो रेंज नंबर ऑफ़ क्लासेस थे। इस वजह से हमने रेंज निकाली, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, और उसके अलावा हमने नंबर ऑफ़ क्लासेस निकाला 1+3.3 log n। तो ये चीज़ें हमने निकाली इस वजह से। तो अब ये फ्रीक्वेंसी हमें पता चल गया, ये क्लास इंटरवल हमें पता चल गया। तो ये जो है ना, फिर ये जो हम करेंगे उसके बाद ये सिंपल ही ऐसा होगा कि हमने जो इसके बाद करना है ना, वो हमने सिर्फ सिंपल करना है कि क्लास लिमिट्स और ये टैली एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्लास लिमिट्स, टैली और फ्रीक्वेंसी, ये चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब क्लास लिमिट्स क्या हैं, वही चीज़ें जो इंटरवल हमने किया। अब मैंने जब इंटरवल इसका निकाला तो ये आया हमारे पास 8.49, मीन्स के अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से दैट इट्स 8, ठीक है। अब ये 8 आ गया जी। अब ये जो 8 आया, तो हमने वैसे इसमें देखना है, वैसे मैंने प्रॉपर तरीके से वैसे क्वेश्चन नहीं किया। तो इधर ये 2, इधर फर्ज करें इधर 2 है, ठीक है। अब ये 2 से स्टार्ट हो रही है, वो बोल रहे हैं कि इंटरवल जो वक्फा है वो 8 का है, ठीक है। तो 2 में और 8 अगर हम ऐड करेंगे तो वो 10 आएगा ना। तो ये इस तरह 10, ये 8 का इंटरवल आ गया। अब इसी तरह 10 के बाद 11, 11 से वापस वो इसी तरह मीन्स अब बनाते जाएंगे। इसी तरह वो टैली करना है, फ्रीक्वेंसी करना है, और कल से हम प्रॉपर इंशाल्लाह ये फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन करेंगे। और आज ये सिर्फ समझ लें कि इसमें ये हमने क्यों ये फ्रीक्वेंसी का हमें प्रॉपर ये क्लास इंटरवल और रेंज और नंबर ऑफ़ क्लासेस की क्यों ज़रूरत पड़ती है। और अगर ये प्रॉपर वे ना हो तो हम फ्रीक्वेंसी को फाइंड ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हमें इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। जज़ाकअल्लाह खैरन।